मथुराराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा के निरीक्षण में न सिर्फ वहां ताला लगा मिला बल्कि थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची महिला नर्स ने खुद को डरा हुआ बताया। इस दौरान महिला नर्स ने कहा कि अराजक तत्वों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर साम्राज्य करते हैं, इसके साथ साथ हुड़दंग भी करते रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से महिला नर्स ने खुद के लिए खतरा बताया। दरअसल राल का स्वास्थ्य केंद्र भले ही मरीजों को ठीक करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्यकर्मी मरीज से कमजोर बने हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर असामाजिक तत्वों से परेशान महिला नर्स ने सीएमओ से कई शिकायतें की और कहा कि वे होने वाली गतिविधियों के भी राज खोल सकती है। बाकी और दो का है सर, दो रात की है। यहाँ चौकीदार पार्ट वाइज कोई नहीं है सर? आज तो कोई नहीं आया सर, जब आता है कोई भी तुम तुरंत यहाँ से सामने से आते हैं। पहले ताला खोलेंगे, डिलीवरी बाहरी गेट पे हो जाएगी। क्यों बंद है ये ताला? वार्ड वाइज कितने यहाँ पर? सर दो है रात को। तो फिर क्यों वार्ड वाइज नहीं यहाँ पे है 24 घंटे? क्यों नहीं है फार्मेसिस्ट यहाँ पर? पता, लेकिन हम सर हम तो यहाँ पे जैन रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब भीड़ रहती है इसलिए नहीं रुकते सर। नहीं नहीं, पहली बिल्कुल मुझे मुझे बहुत अच्छा सा नहीं लगा। हम लोगों को 24 घंटे सुविधा देनी है और आज मैं ये देख रहा हूँ, अभी मैं चूंकि नया आया हूँ है ना, तो फिर ये चीज तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर आप लोग इस तरह से मनमानी करेंगे तो मैं किसी को भी यहाँ मैं लिख दूंगा सबको लिए। आप खुद बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, हमारे परिवार में किसी को चोट लग जाए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या एक दो घंटे इंतजार करेंगे कोई आए? डिलीवरी बाहर गेट पे हो जाए ये इंतजार करेंगे हम? तो क्यों नहीं खुला हुआ है सर? मैं तो सुबह यहाँ प्रेजेंट 8 बजे हो गई हूँ सर, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई रहता है तो मैं, लेकिन हमें डर लगता है इधर अकेले इसलिए नहीं बैठता। राल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से परेशान महिला नर्स की शिकायत पर सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने बताया इस संबंध में शासन को भी अवगत कराया जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से वहां और भी इंतजाम किए जाएंगे। कल मैं राल में निरीक्षण करने गया था जिसमें हमारे स्थानीय विधायक, उनके प्रतिनिधि भी थे, हमारी स्थानीय वहाँ जनता भी मौजूद थी। और ये बात सच है कि हमारी CSC वहाँ पर ताला बंद था, लेकिन एक जो वहाँ स्टाफ नर्स मौजूद थी प्रसव के लिए, वो स्टाफ नर्स द्वारा और स्थानीय जनता ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे अवांछित तत्व आते हैं, अराजक तत्व आते हैं, जो कि स्थिति यह है कि वो नशा भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, हमारी महिला कर्मचारी उसे भी अभद्र व्यवहार करते हैं। वहाँ जो स्थानीय जनता थी उसने भी इस बात को स्वीकारा। हमारे जितने भी रेजिडेंस थे सबके दरवाजे मैंने देखा, पहली बार मैं गया था सबके दरवाजे टूटे हुए हैं, जबकि वो 87 में बने थे, बहुत पुराने नहीं हैं। सबकी खिड़की दरवाजे सारी चीज़ टूटी हुई हैं। तो अब मैं अनुरोध करूँगा पुलिस प्रशासन से कि कुछ सिक्योरिटी की वहाँ व्यवस्था हो जिससे मैं 24 घंटे वहाँ अस्पताल चला सकूँ। हालाँकि मैंने अपने जितना भी चिकित्सकीय स्टाफ है सबका वेतन रोक दिया है, मुझे 24 घंटे अस्पताल चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं नोट करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि सुरक्षा भी पर्याप्त मिले। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, माननीय विधायक जी के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी स्वीकारा कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ अभी बहुत ज़्यादा प्रबंध कराने की आवश्यकता है।